हेलो एंड नमस्कार, मैं हूँ भैरव सिंह। फ्रेंच फ्राई तो सबको पसंद है, आपको पसंद है, मुझे पसंद है, और आज मैं बनाने वाला हूँ आपके लिए मसाला फ्रेंच फ्राई, वो भी देसी अंदाज से। तो चलिए, फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए हमें लगेगा रवा, 1 कप रवा, 1 कप पानी, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, थोड़ी चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और ऑयल जो है फ्राई के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 कप पानी, इसको थोड़ा सा गर्म होने देना है, और इसके अंदर जो है नमक, तो जैसे ही वाटर थोड़ा बॉईल हो जाए, अब इसके अंदर सूजी है वो मिला देना है। ध्यान रहे जितनी सूजी उतना ही पानी यूज करना है आपने, और धीरे धीरे इसको अच्छे से मिला लेना है। ये देखिए, ये अच्छे तरीके से हो गया। अब इसको करना क्या है, आपने करीबन 1 से 1.5 मिनट कवर करके रख दीजिए और गैस बंद कर दीजिए। ये देखिए, रेस्टिंग के बाद रेडी। इसको इस तरीके से, तो ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा ठंडा रहे। चिली फ्लेक्स करीबन 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर क्रश किया हुआ फ्रेशली, चिली पाउडर, नमक हम ऑलरेडी पहले इसमें डाल चुके हैं, नमक की ज़रूरत नहीं। अब इसको ऐसे ही थोड़ा गर्म रहे, एकदम ठंडा ना हो, इसको मिला लीजिए अच्छे से। और हाँ, थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है हाथ को लगाते रहिए। चलिए, ये हो गया अच्छे से मिलके रेडी। अब जब तक इसको थोड़ा सा रेस्ट देते हैं 1 से 1.5 मिनट, और ऑयल, अब ये डो को आप जो है एक अच्छे से प्लास्टिक पेपर पे रखिए, और इसको इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, थोड़ा प्रेस कीजिए इसको। इसके बाद रोलर पिन से इस तरीके से बेल लीजिए। थिकनेस जो है वो फ्रेंच फ्राई जैसा थिकनेस रखिए, इस तरीके से। ये देखिए, ये देखिए रेडी हो गया। अब इसको जो है कट कर लेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा नाइफ को ऑयल लगाएंगे। ये देखिए रेडी हो गया। अब इसको बीच में से, चलिए अब फ्राई करते हैं इसको। चलिए इस तरीके से इसको, चलिए फ्राई कर लेते हैं। हम जैसे एक बार इसको सारे चुरा लें ताकि आपस में कोई चिपके ना, थोड़ा सा क्रिस्पी फ्राई होने दे इसको। अगर मैं मान, ये देखिए ये हो गया रेडी, और ऐसे ही गरम गरम पे थोड़ा सा चाट मसाला, क्या बात है। ये देखिए ये रेडी हो गई हमारी फ्राइज। आप इसको केचप के साथ या सॉस के साथ, जिसके साथ खाना है बनाइए और खाइए, एंजॉय कीजिए, और मुझे दीजिए इजाज़त।